कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी वापस आना पड़ेगा। 5 साल हो गए बट कुछ भी नहीं बदला है। सोचा था सब कुछ छोड़ के इस जगह से दूर, इस शहर से दूर चला जाऊंगा, कभी वापस मुड़ के नहीं देखूंगा, जॉब वॉब छोड़ के राइटर बनने का सपना पूरा करूंगा। बट बीइंग अ राइटर हैज इट्स ओन पर्क्स, यू नो, यू कैन नेवर गो अवे फ्रॉम कलकत्ता। लिटरेचर विल ऑलवेज ब्रिंग यू बैक हियर। और ऑनेस्टली मेरा दिल हमेशा से वापस आना चाहता था। वो तो दिमाग कह रहा था कि मत जा, भूल जा सब कुछ, शुरू से शुरू कर। पर इस बार जब अपनी कहानी सुनाने का मौका मिला है, इसे तो मैं हाथ से जाने नहीं दूंगा। आखिर उधारी में ली हुई पेन से जो लिखी है, एक एक्स्ट्रा पेन। Impressive. Thank you, sir. Well done. So, as I was telling you, the targets have already been met, and I'm very happy to tell you that the team was able to pull off 3 more clients from the same firm. Sounds good. Thank you, sir. Sorry, sir. We'll send the reports to Mr. Sinha. Think it's urgent. Take it. Thank you, sir. Just a minute, sir. ये जो जनरेशन है ना हमारी, इसे दोस्ती बहुत पसंद है, चाहे चिल करना हो या बिचिंग, चाहे किसी एक्स का दुखड़ा रोना हो या फिर किसी नई क्रश की इन्फो चाहिए, चाहे सुबह के 6 बजे लॉन्डों के साथ क्रिकेट खेलने जाना हो या फिर लेट नाइट ड्राइव, हमें एक ना एक दोस्त तो हमेशा चाहिए ही होता है। और ऐसा ही एक दोस्त था मेरा, नीलकंठ शर्मा उर्फ नील। साले की हाइट जितनी छोटी थी ना, दोस्ती के बेंचमार्क्स उतने ही ऊपर। यारों का यार था, चाहे संक्रांति में पतंग लूटना हो या फिर दास बाबू के टूटे कांच का झूठा इल्जाम अपने सर लेना हो, नील भैया हमेशा सबसे आगे रहते थे। तब पिताजी का नया नया तबादला हुआ था शहर में, और कोचिंग क्लास में भी नया नया एडमिशन था। हाँ तो पढ़ाई कैसे चल रहा है बेटा? लास्ट क्लास जो पढ़ाया था वो समझ में आया सबका? आया कि नहीं बताओ तो सही। यस सर। वेरी गुड। वर्कशीट का काम सब ठीक से करो तो? यस सर। मैं कविन सर। कौन है?
लास्ट बेंच। हाँ, जो बोल रहा था, देखो लास्ट क्लास एक सम हुआ था तो सीट की अनअवेलेबिलिटी की वजह से मुझे लास्ट बेंच पर और उसके बगल में बिठा दिया गया। मेरे जाते ही उसने मुझसे पूछा, वो सुन, एक्स्ट्रा पेन है क्या? मुझे थोड़ी बेतुकी सी बात लगी, क्योंकि जान ना पहचान मैं तेरा मेहमान। वैसे नील के लॉजिक के अनुसार ना, किसी से पेन मांग लेना इज द बेस्ट आइस ब्रेकर, जो आप किसी अनजान से दोस्ती करने की शुरुआत में इस्तेमाल कर सकते हो। और नील भैया ने तो इस ट्रिक को इतनी बार प्रैक्टिस किया था कि मैं चक्रव्यूह में अभिमन्यु जैसा ही था। एक्स्ट्रा पेन है क्या? वर्कशीट सर, एक्स्ट्रा वर्कशीट्स कब देंगे आपसे? खैर उस दिन के बाद से तो हमारी दोस्ती के जो किस्से हैं ना, वो पांडे सर आज भी हमारे जूनियर्स को सुनाया करते हैं। अगर मैं जय था तो वो वीरू, अगर मैं सोनू था तो वो मेरा टीटू, और अगर आज मैं एक कलम हूं और ये कहानी मेरी सियाही है ना, तो वो मेरा ढक्कन, जिसे अगर कलम से ना लगाया जाए तो सियाही ना जाने कब की सूख जाए। और ये सब हुआ कैसे? भाई सुन, अगर तूने तीसरी बार थ्रो किया ना, सच बता रहा हूँ तेरा अंजाम बहुत बुरा होना है। अबे साले, अबे क्या 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 चर्बी बढ़ गया तुम्हारा है? वो सड़ की बैठ। तुम दोनों ऐसा मत करो, मोगापंती मत कर, अपना काम कर। तुम काम कर अपना, मुझे तुमसे कुछ। हम साल भाई ठीक है तू? सर हमें हर हफ्ते एक वर्कशीट दिया करते थे जिसे हमें वीकेंड तक कंप्लीट करना होता था, वरना डायरेक्ट पेरेंट कॉल। सर वैसे तो बहुत ही शांत स्वभाव के थे। Yes, welcome my dear students. Welcome you all to this new session of your physics class of joint entrance examination. So, in the first class itself, I'll tell you to hold the aspiration. You'll have to aspire to crack JEE. Yes, you can. So, here I have written some initial name of the chapters which you'll have to complete within half yearly. Yes. So, what are the chapters? Just read it out. Electrostatics. Number 2, current electricity. Number 3, electromagnetic waves. Yeah! Then optics and atom and nuclei. So, we'll have to make a determination that you'll have to complete these chapters by a half yearly examinations. And we'll definitely do it. Can't we? Tell. Yes. Yes, all right. Yes, yes. पर अगर कोई वर्कशीट नहीं करके आता था या एग्जाम में चीटिंग करता था
तो जैसे चुटकी बजाते ही एक राक्षस बन जाते थे। राम राम सर। अरे भैंस कुमार। भैंस नहीं महेश। एक ही हुआ तुम नहीं जानते हो, जो महेश वही भैंस। तो क्या हुआ? मैं आ गया। मैं बहुत मेहनत कर लिया बेटा, अब चले भी जाओ। इतनी सीढ़ियां चढ़ के आ रहा हूँ और आप बोल रहे हो एग्जाम नहीं देने दोगे? तो मैं क्या करूँ बोलो, बताओ भैया। हाँ तुम एग्जाम दोगे? 5 मिनट और बाकी है, क्या एग्जाम दोगे यार? हाँ एग्जाम का बदकिस्मती तुम लोग जैसे स्टूडेंट मिल जाता है। बैठ जा, एग्जाम देगा। बैठ। अरे भाई अंदर घुस जा। आजा अंदर भैया। भैया बोल रहे तुमको घुसने, बैठ जा। सर क्वेश्चन पेपर। अरे तू लिखना अपना एग्जाम, देखो तो सही 5 मिनट बाकी है, लिखने का नाम नहीं। खैर ये एग्जाम की बात बाद में करते हैं, अब मेरा नया नया हफ्ता था, चीजें समझने में इतना वक्त लग गया कि वर्कशीट कंप्लीट करने का टाइम ही नहीं मिला। तो नील ने मुझे देखा और मेरे पास आया। क्या हुआ भाई, सब ठीक है तो? हाँ। बताना क्या हुआ, मुंह से समझ में आ रहा? नहीं कुछ नहीं। एक मिनट, एक वर्कशीट क्यों नहीं किया तूने? अबे तो दिक्कत क्या है इसमें? नहीं किया तो नहीं किया, तो इधर आप पीछे बैठ मेरे साथ। आया एक बात बता, तूने पांडे की शक्ल ऐसे ध्यान से देखी है? उसकी शक्ल देखकर लगता है कि वो सारी वर्कशीट चेक करता होगा, एक बात बता। हाँ। अबे चू, सारी वर्कशीट्स मैं चेक करता हूँ। हाँ और वो जब क्लास में आएगा ना, वो सबसे पूछेगा anyone who's here without the worksheets, सब अपने अपने हाथ खड़े कर दो, है ना? ऐसे ही पूछता है ना। तो बस अपने दोनों हाथ ना पॉकेट में रखियो, कोई हरिश्चंद्र बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? बाकी मैं सॉर्ट कर दूंगा, चिल कर। Just chill. Good evening, sir. Good evening. वो क्या है जानते हो ना, मेरा एंट्री सबके लिए गुड होता नहीं है। So, students, anyone without worksheets? ईशान जी, क्यों नहीं हुआ भाई वर्कशीट कंप्लीट? मेरा वर्कशीट कंप्लीट नहीं हुआ सर। वो तो सुन लिया, क्यों नहीं हुआ वर्कशीट कंप्लीट? सर आपको बताया था ना? क्या बताया था? मेरी बहन की शादी थी। बहन की शादी? वाह, हाँ क्या बात है ईशान जी, शादी वादी सबके लिए रुक जा रहा है। हाँ बढ़िया है। वो लोग एक साल से अपनी शादी के लिए। हाँ पर मैं कह रहा हूँ कि ये जो JEE, ये जो 3 अक्षर का चीज है, ये क्या तुम्हारा बहन के शादी के लिए रुक जाएगा? हाँ बताइए बताइए, आप बताइए। वो लोग एक साल से वेट ये कर क्लास शादी के लिए। ये क्या कहते हैं सिलेबस, ये सब रुकेगा? ये सब कुछ आपका 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के लिए रुक जाएगा ना? जाएगा कि नहीं बताइए बताइए आप बताइए। नहीं सर लेकिन पर मैं आज रुकने वाला हूँ बेटा, आपके पेरेंट्स से
मिलने के लिए। सर जाइए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक बात बोलिए आप ये नेक्स्ट गली में रहते हैं ना, बगल वाली गली में बोलिए। देखा आई रिमेम्बर देखा। प्लीज सर लास्ट वार्निंग सर। आप एक काम करिए बेटा प्लीज सर कंप्लीट कर लूंगा सर प्लीज सर। अब दौड़ के जाइए सर। नहीं सर दौड़ के जाइए और बस बुला के लाइए अपने पेरेंट को। सर पेरेंट को मत बुलाइए सर। मैं जाइए 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 सर। बेटा प्लीज गो बेटा सर प्लीज सर प्लीज सर। मैं आपको प्लीज पक्का आपको ईशान गो सर प्लीज सर। दैट तरीके गेट आउट गेट। Yes. So anyone without worksheet? Great. Neil beta. Haan sir. Shuru ho ja. Kiya bhai, to kiya hi hoga. Kiya be. Theek hai. Kiya? Kiya bhai? Theek hai. हाजर सर सबने कर रखा है सर। गुड खैर उस दिन के बाद से तो हमारी दोस्ती ने ऐसा स्काई रॉकेट किया ना कि ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर कुछ भी उसको रोक नहीं पाई। संग मिलके
नसीब के आगे है हम खुशी से ओ क्या ये दिन है तेरे संग मिलके हर चीज की हद पार की खुशी से ओ क्या ये दिन भाई बोल ए भाई बोल ना मैंने कुछ लिखा है यार सुनेगा क्या देख क्या रहा भौंक कल ही की तो बात है मानो जब पहली बार सहमे कदमों की आहट सुन अजनबियों ने मुड़कर तो देखा पर हाथ सिर्फ एक ने आगे बढ़ाया था घबराए इस मन को चुटकुले मार उसी ने तो हंसाया था इस पढ़ाकू बुद्धि को मस्ती करना उसी ने तो सिखाया था मैं तो बंदिशों में ही बंधा रह जाता उम्र भर पर पहली बार कायदे तोड़ने का मजा उसी ने तो चखाया था आज तक कभी पी नहीं थी मैंने पर अब उस एक कप चाय से नाता जुड़ गया था पता नहीं आखिरी बार माँ से कब बात की थी क्योंकि बिन बोले मेरी परेशानी वो भी समझ ही जाता था हाँ मिसालें तो कई सुनी है पर दोस्ती का चेहरा उसी में तो पाया था अभी तो पूरी जिंदगी बाकी है इसके आगे नहीं लिख पा रहा यार वैसे कैसा लगा हाँ अच्छा था मतलब बढ़िया देख ऐसे कुछ समझ तो नहीं आया पर अभी तो पूरी जिंदगी बाकी है 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 भाई एक बात बोलूं सिर्फ 2 महीने ही रह गए फिर तू किसी और कॉलेज में और मैं किसी और कॉलेज में तुझसे मेरा मिलना कम हो गया पतंग लूटना क्रिकेट खेलना ये बोट राइड्स बोला सब बंद और कुछ है ना रहेंगे ना वहां पे कनेक्टेड यार तो टेंशन मत ले यार तेरा भाई है ना वैसे भी यार थोड़ा दूर हुआ तो क्या हुआ तू फोन मारना मैं भागता हुआ चलाऊंगा हाँ तेरे लिए कुछ लाया रख ये किस लिए बेटा है तो मेरा ऐसे ही है क्या इसमें ए, अभी नहीं बाद में ऐसा क्यों
देख, जिस दिन तू मुझे पूरी तरह समझ जाएगा ना, और तुझे पता हो केस के अंदर क्या है, अच्छा उस दिन इसे कोट लिया, ठीक है? ठीक है, पता नहीं उस दिन दिमाग में क्या चल रहा था, मुझे तो लगा मैं दो दिन में गिफ्ट खोल के उसको दिखा दूंगा कि मैं तो तुझे जानता हूं। हाँ, लेकिन एक बात थी, उस दिन वो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान था मेरे लिए, पर अच्छे इंसानों की ना एक बहुत बुरी फितरत होती है कि वो हमेशा गलत वक्त पर मिलते हैं। तो हुआ ऐसा कि फाइनल्स आने वाले थे और पांडे सर ने हमें एक मॉक टेस्ट दिया। अब ये जो हम मिडिल क्लास बच्चे होते हैं ना, हम पे अपने माँ बाप के सपनों का बहुत बोझ रहता है। तो मैं ना एग्जाम और पढ़ाई को लेकर काफी पर्टिकुलर था, अच्छी हैंड राइटिंग, पूरा सिलेबस कवर करना, कवर करके रिवीजन करना, और एग्जाम में ना किसी को देखना ना किसी को दिखाना, ये सब हमारे सिस्टम में बचपन से ही हार्ड कोड कर दिया जाता है। सर, सर आज अभी नहीं आया सर। बेटे खुद के एग्जाम के बारे में सोच, बेटर बुक। तो उस एग्जाम में जब नील ने मुझसे सवाल पूछा तो मैंने उसकी मदद करने से मना कर दिया, और ये बात ना जैसे उसे चुप गई। एग्जाम के बाद बात करना चाहिए तो मुंह फेर लिया, फोन किया तो फोन काट दिया। एग्जाम के बाद की छुट्टियों में भी कोई मिलना जुलना नहीं हुआ। जैसे बात उस 5 नंबर के सवाल की नहीं थी, बात थी उस दोस्त की जिसे मैं जंग के मैदान में अकेला छोड़ कुछ स्टूपिड से उसूलों को फॉलो करने लगा था। और ये ना, ये एक घाव था, एक गिल्ट का घाव। ये गिल्ट के घाव ना कभी भरते नहीं है, बस आप वक्त के साथ इनके साथ जीना सीख जाते हो। हम दोना समझ दुनिया को समझने निकले, बैक बेंच पे सपने सजा के बैठे हैं, बेस्ट फ्रेंड वाली ऐसे में तेरे ख्यालों से मेरे ख्याल जब मिल जाते, कैंटीन की वो खुशबू तेरे बिन अधूरा लगता क्यों, ना मैं कभी समझ पाऊं वो क्या ये दिन है तेरे संग मिलके, हर चीज की हद पार की खुशी से, खुशी से वो क्या ये दिन है तेरे।
संग मिलके नसीब के आगे हैं हम खुशी से खुशी से हम दो बेखबर बेवजह क्यों हंसते रहते तेरी दोस्ती मेरे साथ हर पल पास रहे बस यही एक तमन्ना है टीचर की डांट खाते हुए भी मुस्कुराए तेरे मुंह से गाली सुन के भी क्यों अच्छा लगे वो क्या ये दिन है तेरे संग मिलके हर चीज की हद पार की खुशी से वो क्या ये दिन है तेरे संग मिलके नसीब के आगे हैं हम खुशी से वो क्या ये दिन तेरे संग मिलके हर चीज की हद पार की खुशी से तो ऐसा ही कुछ हुआ। मैंने इस चोट को थोड़ा वक्त देने का सोचा और अब मैं नील के साथ नहीं अभी के साथ बैठने लग गया। अभी भी मेरा दोस्त था पर वो सभ्य था। एक्चुअली वो एक पोटेंशियल आईआईटी मटेरियल था तो सपना उसकी बहुत इज्जत करते थे। लेकिन असली दोस्ती कितनी गहरी है ये तो बेइज्जती के पैमाने से ही पता चलता है ना। फिर किस्मत ने एक दिन करवट ली। एक दिन मैं वर्कशीट करना फिर से भूल गया। मैं वैसे ही ट्यूशन के लिए लेट था तो वैसे ही पढ़ रखी थी। सो नाउ वी विल हैव टू डू द सम लाइक दिस पी प्लस क्यू जीरो प्लस जेड प्लस ई इक्वल्स टू व्हाट वी आर गेटिंग तो बेटा अभी समझ में आ गया ना कैसे ये सब किया जाता है। ठीक है तो पांडे सर ने आज ही सबसे पूछा एनीवन विदाउट वर्कशीट। देखो अभी बता दो पनिशमेंट यहीं तक सीमित रहेगी। सेल्फ डिफेंस ने अंदर से बोला बेटा आदित्य ये ट्रैप है हाथ मत उठा तू फंस जाएगा। अश्योर कि कोई नहीं क्या बात है लव यू गाइस सनील बेटा। बेटा नील हाँ सर छोड़ो खुद जाओ बेटा हाँ। अब सेल्फ डिफेंस की जगह ना डरने ले ली थी। आंखें लाल थी
और माथे से बहता पसीना टप टप करके एक ही बात बोल रहा था कि आदित्य बेटा आज तो तेरी लगने वाली है। तब तक मेरा नंबर आ चुका था। अनिल भैया मेरे पास आए और मेरी वर्कशीट को देखा, खाली। सर की तरफ मुड़ा और बोला, सर सबने कर रखा है सर। उस दिन ऐसा लगा कि मैं सब कुछ छोड़ के ना, सब कुछ भूल के इसको यहीं हक करके रो पड़ूं बस। और मैंने वही किया, अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया और क्लास के बीच में उसको हक करके रो पड़ा। आदित्य ने आज होमवर्क नहीं किया। किसे चिट करो बेटा नील, किसे चिट करो? हाँ मुझे, खुद को या इसको? देखो बेटा, जो भी हुआ आज गलत हुआ। क्या हुआ? गलत हुआ, राइट? एंड आई हैव टू मेक इट श्योर कि ये गलती आगे से और कभी ना हो। सर अगली बार कर लेंगे सर, अभी आई से सर सर कॉल मत करिए सर, अभी सर प्लीज सर पेरेंट्स को कॉल मत करो। आई से स्टॉप इट सर, वर्कशीट कर लेंगे सर, मुझे सर कॉल मत करिए अभी। अरे बोलना भाई, सर सर कॉल मत करिए सर, आप सर बात मत कर लेंगे। स्टॉप इट, हेलो। हाँ जी मिस्टर शर्मा, हाँ जी 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 जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। एक्चुअली वो नील के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ मैं आज उसे थोड़ा रोक रहा हूँ। नहीं नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है, वो क्या हुआ उसका उसका वर्कशीट में कुछ डाउट रह गया, वही क्लियर करने के लिए। नो नो इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली ओके, यू आर मोस्ट वेलकम, इट इज माय ड्यूटी नो। ओके अच्छा ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। थैंक यू थैंक यू। ओके भाई, ऐसी दोस्ती रोज रोज देखने को थोड़ी ना मिलती है। हाँ क्या बात भाई, आ जा। बहुत अच्छा, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। तो आदित्य ये वर्कशीट पूरा खत्म करके जाओगे यही, ठीक है? समझ में आया? दिमाग में रखना ये बात। और हाँ जी मिस्टर शर्मा, खेल तो बहुत दिखा दिया आपने। अजीदार आदित्य के साथ बैठ के पूरा का पूरा वर्कशीट यही खत्म करके जाना होगा आपको, ठीक है? क्या हुआ? नहीं कर लेंगे सर। शौक लग गया क्या आपको? पढ़ ले, बिना वर्कशीट किए यहाँ से जाने का सोचना भी मत, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ। आपकी पेन बोरो कर दो सर, लाया नहीं। तू बेटा सुधरेगा नहीं यार। ठीक है भाई, थैंक यू सर वो पेन के लिए। फाइनली डन, तेरा भी हो गया। कर दी?
हाँ भाई, एक बात बता। सोच अगर इस ट्यूशन में लड़कियां होती कितना मजा आता। नहीं सच बता, सोच सोच, चारों तरफ लड़कियां ही लड़कियां और हम लोग बीच में नाच रहे होते, है ना, है ना, सोच। चल अब बहुत हो गया। चल अब मतलब क्या होता साला, इतना अच्छा चल अब साला की है चूतिया सब अभी की वजह से। ओ नाम तो लिख दे। 12th के अंत तक सब कुछ ठीक था, उसके बाद उसने MBBS किया और मैंने इंजीनियरिंग। हम सेम बेंच पे बैठ के बात तो नहीं कर सकते थे, लेकिन कॉल्स SMS और ऑर्कुट की बदौलत ऑलमोस्ट सब कुछ शेयर कर लिया करते। फिर मेरी जॉब लग गई बैंगलोर में, और उस जॉब की वजह से नील के साथ टच में रह पाना और भी मुश्किल हो रहा था। मैं जानता था कि नील मुझसे नाराज है। ये बात और है कि उसने ये बात कभी साफ लफ्जों में कही नहीं। ऐसे ही 2-3 महीने बीत गए कि एक दिन मीटिंग के बीच में नील के कॉल आना शुरू हुए। सॉरी सर, विल सेंड द रिपोर्ट टू मिस्टर सिन्हा। आई थिंक इट्स अर्जेंट, टेक इट। थैंक यू सर, जस्ट अ मिनट सर। मैंने फोन उठाया तो आगे से नील की मॉम ने रिस्पॉन्ड किया। नील वेंटिलेटर पे था, लगा कि जैसे सब झूठ बोल रहे हैं, लगा कि मैं अभी पांडे सर की ट्यूशन में उठूंगा, मैं नील को बताऊंगा कि भाई मैंने कितना बुरा सपना देखा है। पर सब सच था। पहली फ्लाइट पकड़ के कलकत्ता पहुंचा और उसके घर गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ये क्या हाल की है तू? भाग गया साले, भागते हुए। प्रॉमिस किया तो था ना। आदित्य,
बीते सालों में कुछ तो बदल सा गया है। कल तक जो मस्ती खोर था, आज क्यों मन गुमसुम रहता है? यूं तो दिल झटपट दोस्त बनाता था, पर आज क्यों हिचकिचाता है? मेरी हर बात पे एक हंसी गूंजती थी, फिर आज क्यों सन्नाटा सा छाया रहता है? नील तो बेफिकर बादल था, फिर आज कौन सा सूरज ढूंढता है? इतने सालों में कुछ तो बदल सा गया है। तू ठीक हो जा, ठीक हो जा, तू एक बार ठीक हो जा, फिर हम सब करेंगे। बोट राइड, कोला, चाय, पैसे मैं दूंगा, तू बस ठीक हो जाए। कैसी बात कर रहा चूतिए? भ्रमर को यो गिया श्री कृष्ण बीछे देरन हो ভ্রমর কো যোগিয়া কইও 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 রে ভ্রমর কৃষ্ণ রে বোঝাইয়া কইও 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 রে ভ্রমর কৃষ্ণ রে বোঝাইয়া মুহি রাধা মুইরা যাইমু কৃষ্ণ হারা হইয়া রে ভ্রমর কইও গিয়া ভাই বে রাধা রমন বলে শুনো রে কালিয়া ভাই বে রাধা রমন বলে শুনো রে কালিয়া নিভাসিল মনে রাগু কি দিলা জ্বালাইয়া রে ভ্রমর কইও গিয়া चला गया वो। पता चला कि MBBS के बाद साला दारू पी के गाड़ी चला रहा था।
और ड्रिंक एंड ड्राइव ने उसकी जान ले ली। हालांकि अब इस बात को भी 6 साल बीत चुके हैं और मैंने इसके साथ भी अब रहना सीख लिया है। लेकिन एक माफी मांगनी है तो नील, अगर तू है और मुझे सुन रहा है, सॉरी यार, सॉरी कि मैं तब तेरे पास नहीं था जब तुझे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। एक आखिरी बार माफ कर दे यार कि जब तू जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ रहा था तब मैं तेरे पास ही नहीं था। सॉरी कि मैं जाते जाते तेरी आखिरी बातों का हिस्सा नहीं बन सका। सॉरी कि मैं एक अच्छा दोस्त नहीं बन सका। पर मैंने कोशिश पूरी की यार। और दो बातें हैं आप सबके लिए, ये जो दोस्त होते हैं ना, बहुत ही बेशकीमती, नायाब और रेयर होते हैं। इन्हें सेफ रखें, महफूज रखें। एंड डोंट लेट देम ड्रिंक एंड ड्राइव नो मैटर हाउ हार्ड दे फोर्स और इंसिस्ट यू। और दूसरी बात, आप में से किसी के पास एक्स्ट्रा पेन है क्या? सोच, चारों तरफ लड़कियां ही लड़कियां और हम लोग बीच में नाच रहे होते। कहाँ हूँ मैं, अनजाना क्यों है ये दुनिया भी अपनी फैंटेसी थी, सपनों में बह रहा मैं, वही चार दीवारों में भी बदला सा लगे मुझे, इसके चाहट इतनी बेकरार धर के, शायद ये सिली है फिर।
Thank you.